जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स का ये पहला मुकाबला है T20 सीजन दूसरा का, जो रद्द हुआ बारिश के कारण। मैच कॉल्ड ऑफ बिना टॉस हुए, विदाउट अ बॉल जहां पर खेला गया, तो ये दर्दनाक शुरुआत हुई है फैंस के लिए, क्योंकि आए तो थे, भरा तो था, लेकिन बारिश ने अपना कहर डाल के मैच के हर रूप को खड़खड़ा किया, जहां पर एक भी गेंद डली नहीं और खेल हुआ नहीं। आपको लेकिन ये वीडियो में आपको और कुछ जानकारी दिया जाए, जहां पर आपको बताया जैसे कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स के बीच में मुकाबला था जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स का। यहाँ पर टीम तो आपको पता है ही, यहाँ पर कोई बॉल वॉल खेला हुआ नहीं, लेकिन आपको बताते हैं सेंट जॉर्ज पार्क में ये मुकाबला था। यहाँ पर आपका 19,000 की जो कैपेसिटी में है, वो आपको बताते हैं। यहाँ पर जो सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स का अब मुकाबला 13 जनवरी को आपको देखने मिलेगा। सनराइजर्स ईस्टर्न केप 9 बजे देखेंगे आपको सेकेंड मुकाबला दिन का, और जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स जो इनका मुकाबला था आपको वो नजर आएंगे MI केप टाउन के सामने 13 जनवरी को। तो ये सब डेवलपमेंट है। यहाँ पर पहला मुकाबला तो क्यों हुआ नहीं, पहला मुकाबला कहने को हो चुका है लेकिन वो हुआ है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई रिजल्ट आया नहीं। और आपको बता देता हूँ तो इससे पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों को दो दो अंक मिल गए हैं और आगे की ओर बढ़ चुके हैं NR पॉइंट्स के साथ, जहां पर कोई रन रेट में कोई फर्क पड़ता है नहीं। अभी आप देख रहे हैं क्रिकेट तारे में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।